नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, मां लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है और मान्यता है कि जिस जातक पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे जीवन में मुश्किलों का कम ही सामना करना पड़ता है। वहीं अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए या रूठ जाए तो जातक की अर्श से फर्श पर आ सकता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग रोजाना कुछ ना कुछ तलाशते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता जहां गंदगी रहती है, इसलिए रोजाना घर के कोने कोने को साफ करना बहुत जरूरी है। और आज इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387, 0120715386। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स हमारे साथ जुड़े इसी की उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है आचार्य जी, वो ये है कि धन की लक्ष्मी, जिसे कहा जाता है धन की देवी माता लक्ष्मी, उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं कि घर को साफ सुथरा रखो तो घर में लक्ष्मी आती है, गंदगी होगी तो लक्ष्मी नहीं आएगी, और अगर लक्ष्मी रूठी है तो उसे कैसे मनाएं। देखिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको नियमित रूप से तीन हम टॉपिक देते हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं। जिस व्यक्ति पर माँ का हाथ हो उसे जीवन में हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सब कुछ है। नियमित रूप से घर की सफाई करना ये तो नियम है, लेकिन लक्ष्मी जी का आगमन तब होता है जब घर साफ सुथरा रहता है। इसलिए घर की साफ सफाई के साथ भूल करके भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को देखते हुए नहीं रखना चाहिए। झाड़ू आप जहाँ रखें जहाँ दिखाई नहीं दे रही हो, और घर में मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए, और घर के मुख्य द्वार पर रोजाना हल्दी के स्वास्तिक पर थोड़ा सा हल्दी छिड़कते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये मुख्य उपाय है। अगर आप स्वास्तिक बनाने के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर रोजाना दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन निश्चित रूप से संभव होता है। माँ लक्ष्मी की आरती प्रतिदिन करना, आरती के साथ माँ लक्ष्मी का आगमन की प्रार्थना करना, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करना, तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और मैं समझता हूँ कि जिस घर में जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना, जिस घर में प्रसुमति है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं ना, एक मारवाड़ी में कहा होता है कले कले कला से परिणा का पढ़ना से, यानी जिस घर में कलेश होता है उस घर में न पानी की उपस्थिति हो पाती है ना लक्ष्मी की उपस्थिति हो पाती है। क्योंकि लक्ष्मी से ही प्राकट हुआ है माँ लक्ष्मी, पानी से ही प्राकट हुआ है माँ लक्ष्मी का, पानी से ही उद्गम हुआ है माँ लक्ष्मी का। इसलिए बहुत स्पष्ट बात है कि घर में आपको प्रतिदिन हाथ भाईचारे से प्रेम से प्यार से रहना चाहिए, और साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के रूप जाने पर अर्श से फर्श पर लाती है, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से फर्श से अर्श पर पहुँचा देती है। तो ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए आपको शास्त्रों की बात हम बताना चाहते थे, और मैं समझता हूँ कि ये बात आपको निश्चित रूप से ग्रहण करनी चाहिए और आत्मसात करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की समृद्धि हो। यही तो जी न्यूज राजस्थान चैनल का और भागफल कार्यक्रम का एक प्रयास है कि आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का आगमन रहे, माँ लक्ष्मी स्तर विराजमान रहे, घर में बड़ी सुख शांति रहे और घर में बहुत प्रसन्नता रहे। इसी को लेकर के तो ये हमने टॉपिक रखा है। जी जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ गए कि करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राम राम पंडित जी। हाँ राम राम जी। मेरा नाम ताराचंद है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/11/1984 और मेरा जन्म स्थान है झरिया धनबाद जिला। और मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी नौकरी कब तक लगेगी, है या नहीं है। अच्छा,
देखिए, आपकी नौकरी लगने का तो संभावना, हालांकि बृहस्पति की माँ दशा है, लेकिन अब केतु का अंतर भी है, तो इसमें संभावना बहुत कम दिखाई देती है। आप कृपा करके एक काम करें, लग जानी चाहिए थी पहले आपकी, ये तो 5 साल पहले ही लग जाने चाहिए थे। कोई तो लगी हुई है, उसमें कोई आपको लाभ हो सकता है, पीछे कहीं छुट्टी हो या कोई परीक्षा दी हो या फिर किस तरह का रिजल्ट ड्यू रह गया हो, उससे लाभ हो सकता है। और बहुत बड़े जीवन में आप बहुत खुश मिजाज, बहुत आनंद से रहने वाले व्यक्ति रहेंगे। आप तो रोजाना यदि आप कर सकते हैं, चूंकि गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, अति शुभ वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि में स्थित चंद्रमास के साथ में जो बृहस्पति का गज केसरी योग भी बनाता है, इसलिए कृपा करके आप यदि कर सकते हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, या हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर इससे पूर्व सभी जानते हैं आप कि मंत्र बोलना होता है, और वो पंच तत्वा मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तवादि गौर भक्त वृंद, ये बोल करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जाप करें, और 3 माला करें, 5 करें, 7 करें, 11 करें, 16 करें, ये आपको बहुत लाभ देगी, बहुत मंगल शुभकामना है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो जुड़े हैं हमारे साथ, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्कार। गुरु जी, मैं नेहा बोल रही हूँ। आपने मेरे को वकालत करने के लिए सलाह दी थी कि मैं जज का अभी छोड़ के वकालत कर लूँ, तो क्या मेरे जी सरकारी वकील बनने के योग दिखाई दे रहे हैं? आप ये बताओ, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं इस समय वकालत करने में? हाँ, अब आपने बताया उसके बाद से तो मैं बिल्कुल फोकस होके कर रही हूँ। नहीं, पर आपको अच्छा लग रहा है कि मतलब अच्छा, हाँ मतलब हाँ बहुत अच्छा हाँ गुड फील कर रहे हैं ना, तो हाँ मैं आपको बहुत स्पष्ट करूं बेटी नेहा, कि आपको वकालत करनी है और सरकारी वकील बनने का, पीपी वगैरह बनने का भी योग बनेगा, लेकिन आप कृपा करके इसमें बहुत दम से, बहुत मन से, बहुत उत्साह से, बहुत तल्लीनता से लग जाओ, आपको बड़ी सफलता मिलेगी नेहा, आप करिए। और निश्चित रूप से आप मतलब एक तरीके से हमारा झंडा लहराएंगी, निश्चित अच्छा करेंगी आप। और एक आप मंगलवार के मंगलवार मसूर की दाल अपने ऊपर से 7 बार घुमा के और किसी शुक्र को दे दिया करो, और यदि कर सकती हो तो कोई भी आभूष मुहूर्त में, देवउठनी एकादशी में पहने हुए कपड़े, अपने अंडरगारमेंट सहित कपड़े किसी भी स्वीपर को दे देना, कहीं तीर्थ में स्नान करके वहां छोड़ दो, फिर स्वीपर को दे दो, वो बहुत आपको जो है सारी चैड़ पीड़ा, सारी मन की अशांति, बेचैनी, घबराहट सब दूर हो जाएंगे, अभी करिए, बहुत मंगल शुभकामना है। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, मैं महावीर जैन बोल रहा हूँ, प्रतापगढ़ राजस्थान से। गुरु जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी, मेरा सवाल मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी का जन्म दिनांक है 27 फरवरी 1998, 98 है गुरु जी। जन्म समय है शाम को 5:05 का। जी मेरा सवाल ये है गुरु जी, विवाह के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। विवाह का सहयोग कब बैठ रहा है गुरु जी? 2-3 रिश्ते आए भी है पर बात बनी नहीं है, क्या कारण हो सकता है गुरु जी? देखिए, आपकी बेटी ने करक लग्न में जन्म लिया है, शनि की महादशा वर्तमान में चल रही है और शनि मंगल की युति हो रही है, भाग्यश में शनि अष्टम भाव में बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है, नवम भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है, सप्तम भाव का स्वामी हो रहा है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये बच्ची बड़ी भाग्यशाली है, इसको गज केसरी योग बना हुआ है, ये सरकारी नौकरी भी इसकी कहीं बैठ सकती है, और इसकी शादी सॉरी 4/4/2026 से पहले तय हो जाएगी। और अभी ये क्या है, शनि में बृहस्पति और फिर शनि का पुत्र था, तो ये थोड़ा 3/11 तक बैठने नहीं देगा, 3/11 के बाद में शादी का समय बनेगा, और बहुत आलिशान राजा महाराजों में शादी होगी। महावीर जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत मंगल शुभकामना है आपको, बहुत मंगल शुभकामना।
जी अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम जी। पंडित जी राम राम। राम 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 सर। पंडित जी राम राम। हाँ जी अपना नाम अपना सवाल बताइए। हाँ इसका नाम तनिष्का है जी। 28/12/97 2:40 AM इंदौर। ये भांजी है, इसका कैरियर कैसा रहेगा, कब नौकरी लगेगी? इसके भाई उमंग है, उसकी भी नौकरी नहीं है अभी जी। देखिए बहन, आप इनकी नौकरी लगने की जो बात कर रहे हैं, तुला लग्न में जन्म हुआ है, शनि की महादशा है, मंगल का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है और शुक्र बृहस्पति नीच का इनका चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो इनकी नौकरी तनिष्का की नौकरी, तनिष्का दो बहन भाई होते हैं, आपका मकान पूर्व उत्तर में दिखता हुआ है और आपके मकान में मध्य में सीढ़ियों का होना होता है और तनिष्का नजले जुकाम से थोड़ी परेशान रह सकती है, लेकिन तनिष्का बड़ी भाग्यशाली बच्ची है। इसका नौकरी का संयोग 2025 में जाकर के बैठेगा अगस्त के बाद और निश्चित रूप से बच्ची बहुत अच्छे से जो है नौकरी कर पाएगी और इसकी लाइफ, शादी की लाइफ भी बहुत शानदार रहेगी। बड़ी भाग्यशाली बच्ची, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं है जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी गुरुजी। हाँ नमस्कार जी। हेलो, मैं बेटे के बारे में पूछना चाह रहा था। मेरे बेटे का नाम है अभय राज सिंह शेखावत जी। जी और 21/10/2005 का जन्म है। 6:55 सुबह का टाइम है सर। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अच्छा ठीक है। क्या जानना चाहते हैं आप इसकी तबीयत के लिए? तबीयत देखो इसका, आपके घर में तो कोई पितृ दोष होता है प्रभु, और पितृ दोष के कारण इसको हाथ पैरों में दर्द रहना या फिर खाना नहीं पचना, थोड़ा सा इस तरह का रहेगा। आप इसके लिए एक काम करें कि डॉक्टर का इलाज तो लें, लेकिन कोई आसपास शिव जी का, हनुमान जी का मंदिर हो तो सरसों का तेल में 3 लौंग डलवा के और प्रतिदिन जो है घर में से जला करके और मंदिर में रख दें और ऐसा 101 दिन कर दें, अवश्य उनको स्वास्थ्य में फर्क पड़ेगा, बहुत लाभ होगा और सब ठीक होगा जी। जी और अब वक्त हो गया आचार्य जी राशिफल जानने का, तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों से। आज मेष राशि के सभी जातकों को आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत दिखाई देती है, धन का आवक बढ़ेगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ करके डिसीजन लें। नए कार्यों की शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से खुशनुमा माहौल बनेगा। परिजनों के साथ मौज मस्ती भरे पलों को एंजॉय करेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे पेपर वर्क, प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहेगा। लव लाइफ में नए रोमांचक मोड आएंगे। और अब बात करें वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, आज इनकम बढ़ाने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। आज प्रियजन के साथ कहीं बाहर जाने के लिए प्लान बनाने का परफेक्ट दिन है। जातक नया घर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर सकते हैं। आज लव लाइफ में खुशियां माहौल रहेगा, खर्च को कंट्रोल कर सकेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए धन खर्च करेंगे। अगर आपको किसी बात को लेकर के स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो परिजनों के साथ टाइम स्पेंड करें, इससे स्ट्रेस लेवल कम होगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, आज सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। ये फैमिली या फ्रेंड के साथ ट्रिप प्लान बनाने का बेस्ट टाइम बना हुआ है। धन संपदा में वृद्धि के संयोग बने हुए हैं। शैक्षणिक कार्यों में उपलब्धियां हासिल करेंगे। आज ऑफिस में आपके परफॉर्मेंस के सीनियर से बहुत इंप्रेस होंगे और वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, सीनियर्स भी इंप्रेस होते हैं। वाहन चलाते समय आंख बंद करके
नहीं चलाना, नहीं तो आज धोखा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। धन का लेन देन होशियारी से करो। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के। आज काफी बिजी शेड्यूल रहेगा, क्योंकि जिम्मेदारी थी, बेकार के काम में नहीं उलझना है, कार्यों की प्राथमिकता तय करें। आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बनेगी। पारिवारिक जीवन में वाद विवाद के संकेत दिखाई देते हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां, दिक्कतों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए करीबी दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के। आज ऑफिस में कार्यों की तारीफ बनेगी। प्रियजन के साथ धार्मिक स्थल पर यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले आज आपके पक्ष में ही होने वाले हैं। फैमिली मेंबर्स की तरफ से कोई दुखद खबर आज आपको मिल सकती है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित नजर आएगा। वहीं आज आपका मन बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित करने वाला रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शक। आज कन्या राशि के जातकों को निवेश के मामले में खास रहना चाहिए। सोच समझ कर किए गए निवेश अच्छा रिटर्न देंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। करियर में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। दोस्तों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। लंबे समय से चले आ रहे विवाद सुलझ जाएंगे। जीवन में खुशियों का माहौल बनेगा। आज जो लोग इनकम बढ़ाने चाहते हैं, वे आय में वृद्धि के नए मौकों की तलाश करें। आप इसमें सहकर्मियों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हर कार्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशी और उत्साह का माहौल बनेगा। दोस्तों की तरफ से किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए इनविटेशन आज आपको प्राप्त होने वाला है। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करें तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शक। आज छोटी मोटी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चैलेंजिंग टास्क की जिम्मेदारी लेने पर सीनियर्स आपसे इंप्रेस होंगे। आप इसमें मान सम्मान बढ़ेगा। आपके सभी सपने साकार होंगे। शैक्षणिक कार्यों में नई उपलब्धियां हासिल होंगी और आर्थिक मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। घर के बड़े 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 भाई बहनों का विवाह तय हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आर्थिक मामलों में भाग्य साथ देगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। जो लोग नई जगहों पर रहने जा रहे हैं, उन्हें थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी के विचारों से प्रभावित होकर कोई निर्णय ना लें। आज ऑफिस में आपको सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। हालांकि कुछ कार्यों को नजरअंदाज करने से डांट मिल सकती है। कार्यों में लापरवाही ना बरतें। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रहेगा। ऑफिस में कार्यों के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को बातचीत के जरिए सुलझाएं। विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थान में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। प्रेमी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का मौका मिलेगा। लाइफ पार्टनर आपको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। घर में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा बन सकती है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आर्थिक फैसले भविष्य के लिए लाभकारी साबित हो रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में अटके हुए कार्य पूरे होंगे। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। नौकरी पेशा वालों को छोटी मोटी चुनौतियों का सामना आज करना पड़ सकता है। आज पॉजिटिव रिजल्ट देने मिलने वाले हैं। यात्रा के दौरान किसी महत्वपूर्ण सूचना की आज प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शक। आज खुशियों से भरा हुआ दिन रहेगा। घर में उत्साह का माहौल बनेगा। शैक्षणिक कार्यों में बड़ी कामयाबी मिलेगी। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। वहीं प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती भरे पलों को एंजॉय करें। आज कार्यों में आ रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नया घर या वाहन खरीदना आज संभव होता है।
इस प्रकार से आज का हमारा यह है राशिफल। जी, तो आज आपने जाना कि लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कैसे करना है और क्या उपाय आपको करने, साथ ही आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है। आचार्य जी, इसके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।